So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So जैसा कि आपको पता होगा आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो एक बार आप सभी लोग मुझे बता दीजिए कि लास्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था. तो बेसिकली उसके आगे की चर्चा हम लोग आज की क्लास में करें. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, तो उससे आगे का डिस्कशन हम लोग आज की क्लास में करें. जहां तक मुझे याद है हमने कैलकुलस के बारे में डिस्कशन चालू कर दिया था और उस कैलकुलस के अंदर लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे. तो बताएं कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी क्या? ओके अच्छा, इसके ऊपर जो 8 बजे क्लास होती है उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस भी करवाए. सो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो सेशन नहीं किया है, अभी रिकॉर्डेड पढ़ा होगा, उसको भी जाकर देख ले. उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आप लोग देख लेना. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. देखिए, अगर हम लोग बात करें लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद में, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम. अब हम चर्चा करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर. सो इस मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर जो फर्स्ट थ्योरम आने वाली है वो है आपके लग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम. लग्रांजस, अब ये लग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है? वैसे तो कल की जो क्लास हुई थी 8 बजे उसमें भी मैंने ये इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन फिर से एक बार मैं ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देता हूं. ये बोल रहा है इफ एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन बिटवीन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड नंबर वन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस between close interval a to b, number two fx is differentiable between open interval a to b, then at least one point between a to b one point c between a to b exist such that f dash c equals to f of b minus f of a divided by b minus. देखिए इस थ्योरम का क्या मतलब है, इस थ्योरम का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं. वैसे तो कल की क्लास में, अच्छा एक बार मुझे बताओ कल की क्लास, ये 8 बजे वाली जो YouTube पर क्लास हम लोग ले रहे हैं आप लोगों के लिए, वो कितने लोग अटेंड कर रहे हैं एक बार जरा बताएंगे, कौन कौन अटेंड कर रहा है क्लास को और मैं पता चले.
जो प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए ले रहे हैं वो आप में से कौन कौन स्टूडेंट है जो अटेंड कर रहे हैं? देखिए ये क्लासेस जो है वो आप ही लोगों के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में मदद मिल सके आप लोगों को, क्योंकि यहां पर तो 8 से 10 सिर्फ 2 ही घंटे का ड्यूरेशन है। इससे ज्यादा शायद दस बजे आपका कॉलेज चालू हो जाता होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो 8 से 10 का ही ड्यूरेशन हमें दिया गया है, तो हमने प्लान किया कि यहाँ पर हम लोग आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे और 8 बजे हम लोग आपको क्वेश्चन करवा देंगे, तो बेसिकली आपके दो दो काम एक साथ हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अगर सीरियसली गेट को लिखने वाले हैं इस साल, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उनको एक बार आप फॉलो करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो आप लोग इस तरह की क्लासेस मिस ना करें। चलिए, सो कल की क्लास में मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया था। अगर आप सभी लोग नहीं करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि मैं ऐसा कहूंगा कल की क्लास में बताया था, अब आप में से कुछ बच्चे आएंगे कुछ बच्चे नहीं आएंगे, तो फिर मुझे वो चीज भी यहाँ पर वापस बतानी पड़ेगी, तो हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि समय की थोड़ी सी कमी है इस वजह से। चलिए, ये एक्स है, ये एफ एक्स है। सो ऐसे कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर x इक्वल्स टू a के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है, सिमिलरली x इक्वल्स टू b के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी है, तो ये बोल रहा है a से b के बीच में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन आपका डिफरेंशियबल होना चाहिए और ऑफकोर्स रियल तो होना ही चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप फंक्शन को देखेंगे तो फंक्शन कैसा हो सकता है? हमने बोला कि मे भी शायद कुछ ऐसा रहा हो, मे भी शायद कुछ ऐसा रहा हो, किसी भी तरीके का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। हमने सिर्फ एक केस कंसीडर किया, अगर ये आप समझ जाएंगे तो बाकी केसेस भी आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो अगर आप यहां पर देखें, ये जो पॉइंट आपके पास में अवेलेबल है, इसके कोऑर्डिनेट्स है a कॉमा एफ ऑफ ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है a कॉमा एफ ऑफ ए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट है b कॉमा एफ ऑफ बी। बेसिकली अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं तो एक लाइन बन रही है, अगर उस लाइन के स्लोप को आप देखेंगे तो वो आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। अब अगर आप इस पॉइंट के ऊपर, कर्व के ऊपर या फंक्शन के ऊपर इस पॉइंट पर स्लोप अगर बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या है, इक्वल है। यहां पर अगर आप स्लोप बनाते हैं तो आप देख सकते हैं इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल है। तो बेसिकली लग्रांजस ने अपने थ्योरम के अंदर आपको यही पॉइंट बताया था कि अगर आपका फंक्शन रियल है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशियबल है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा सी फंक्शन पे, उस पॉइंट पर अगर स्लोप बनाओगे तो वो स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। देखिए एफ डैश सी उस पॉइंट के ऊपर स्लोप, और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो बेसिकली यही लाग्रांजेस ने अपने थ्योरम के अंदर बताया था। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट्स एक बार मुझे बता दीजिए ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर टू, थ्योरम नंबर टू, इसे हम बोलते हैं रोल्स थ्योरम। अगेन पहले मैं इसका स्टेटमेंट दे देता हूं, ये क्या बोल रहा है, इफ एफएक्स, if fx is a real valued function, real value function in closed interval a to b and number 1 fx is
continuous in closed interval a to b, fx is differentiable in open interval a to b, and f of a equals to f of b, then at least one point c between a to b exists such that f dash c equals to 0, such that f dash c equals to 0. तो ये बोल रहा है कि यहां पर अगर आपके पास में x equals to a और यहां पर फंक्शन की वैल्यू है f of a, तो जो पॉइंट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है. सिमिलरली x equals to b, यहां पर फंक्शन की वैल्यू है ये, f of b भी f of a के बराबर है. तो इसके बीच में फंक्शन कैसा रहा होगा? लेट अस सपोज कुछ ऐसा रहा होगा. तो अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है a कॉमा f of a, इसके कोऑर्डिनेट्स है b कॉमा f of b. तो इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो जो लाइन बनेगी उसका स्लोप आएगा 0. तो ये बोल रहा है एक पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर रहेगा फंक्शन के ऊपर जिसका स्लोप क्या होने वाला है, 0. उस पॉइंट को बोला गया है. आप समझ सकते हैं कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंडीशन लिखवाई थी लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम की, वो क्या थी, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. देखिए अगर इसके अंदर आप f of a equals to f of b कर देते हैं, f of a equals to f of b कर देते हैं, तो अपने आप यहां से f dash c equals to क्या आ गया, 0. अपने आप यहां से f dash c equals to क्या आ गया, 0 आ गया. अगर f dash c equals to 0 आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये जो रोल्स थ्योरम है ये कोई नई चीज नहीं है. ये बेसिकली रोल्स थ्योरम आपका एक स्पेसिफिक केस है लग्रंजस मीन वैल्यू थ्योरम का. यही एक कारण है जिसकी वजह से लग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम को आप फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि जो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम है ना वो लग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक स्पेसिफिक केस है. मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी किसी तरह की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको. क्लियर है एक बार जल्दी से बोल दीजिए, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए. उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में 3 नंबर, कोचेस मीन वैल्यू थ्योरम. कोचेस मीन वैल्यू थ्योरम. सो व्हाट इज एग्जैक्टली कोचेस मीन वैल्यू थ्योरम? ये बोल रहा है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू real valued functions in closed interval a to b and number one fx and gx are continuous, fx and gx are continuous in closed interval a to b. Number two, fx and gx are differentiable in open interval a to b. Number three, g dash c
not equal to zero. If g dash c not equal to zero, then there exist at least one point c between a to b such that f dash c by g dash c equals to f of b minus f of a divided by. देखिए कोई नई चीज नहीं है, जैसा लाग्रांजस आपने एफ एक्स के लिए लगाया वैसे ही जी एक्स के लिए लगा लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये रिलेशन आ जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर आप देखेंगे तो वो दोनों ही थ्योरम के लिए, लाग्रांजस के लिए एज वेल एज कोचेस के लिए सेम रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो तीसरा थ्योरम है, ये सारी चीजें आप 12th क्लास में एक बार पढ़ चुके हैं, जो तीसरा थ्योरम है उसमें भी आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन यहां पर देखने को मिल नहीं रहा होगा। अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की साइड। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने शायद 12th क्लास में पढ़े होंगे, जिनको अभी मैं रिकॉल करवा रहा हूं। उसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट टेलर सीरीज। ये बोल रहा है इफ fx is continuously differentiable at x equals to a, then fx can be expressed देखिए fx को x equals to a के लिए अपन एक्सपेंड कर सकते हैं कैसे, f of a plus x minus a f dash a plus x minus a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस x माइनस a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन। बेसिकली ये आपका टेलर सीरीज एक्सपांशन है। इस टेलर सीरीज एक्सपांशन के अंदर ये जो एक्सपांशन है ये x इक्वल्स टू a के लिए है। अगर आप बात करें a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0 तो ये बन जाएगा ये एक्सपांशन fx इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 एंड सो। इसे हम लोग बोलते हैं मैकलरिन्स सीरीज एक्सपेंशन। सो बेसिकली ये दोनों ही टॉपिक मैं आपको बताता हूं, बेसिकली अगर मैं बात करूं अगली स्लाइड में बताता हूं, बेसिकली ये जो टॉपिक है गेट सिलेबस का, इसका नाम है पावर सीरीज। इसका नाम है पावर सीरीज, जिसके अंदर सबसे पहले आता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन, नंबर टू इज मैकलरिन्स सीरीज एक्सपेंशन, नंबर थ्री इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जिसमें आपको ये बात समझ में आई है कि यहां पर ये जो आपके पास में टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, इसी का एक स्पेसिफिक केस जहां पर a बराबर 0 आ रहा है वो मैकलरिन सीरीज एक्सपेंशन है। जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है इसी का एक पर्टिकुलर केस को आप क्या बोल रहे हो, मैकलरिन सीरीज एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन से कैसे होते हैं, देखिए
नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं आपको, इससे भी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया हो एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स, आपको बोला है एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए इसको एक्सपेंड करो। सो अदर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बोला जाता है कि एफ एक्स को एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स को एक्सपेंड कीजिए। सो रिमेंबर एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स अगर वो बोल रहा है और उसने बोला नहीं है किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसे मैकलॉरिन सीरीज लेकर चलेंगे और वहां पर x बराबर जीरो के रेस्पेक्ट में आप उसे एक्सपेंड करेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो बाय डिफॉल्ट आप उसे मैकलॉरिन सीरीज मतलब x बराबर जीरो के रेस्पेक्ट में आप उसे एक्सपेंड करने जाएंगे, या आप अपने दिमाग में रखिए। अगर उसने पॉइंट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आप जीरो के रेस्पेक्ट में मतलब मैकलॉरिन सीरीज एक्सपेंशन आप यहां पर करेंगे। तो ऐसे में आपने कहा सर मैकलॉरिन सीरीज एक्सपेंशन एफ एक्स इक्वल्स टू ये बनेगा आपके पास में एफ ऑफ जीरो प्लस x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus x cube by 3 factorial f triple dash 0 and so on। यहां पर अगर आप बात करेंगे सबसे पहले टर्म विच इज f of 0, f of 0 आएगा आपके पास में e की पावर 0 विच इज 1। सेकेंड टर्म अगर आप देखेंगे यहां पर f dash जीरो, सो एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए ई एक्स ही आएगा और ई एक्स में जीरो पुट कर दीजिए फिर से वन आ जाएगा। थर्ड टर्म अगर आप देखेंगे तो दोबारा डिफरेंशिएशन वो भी ई एक्स उसमें जीरो पुट कर दो फिर से वन। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो एफ एक्स है जो ई एक्स है उसको आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आपके पास में एक्सपेंशन आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप एक्सपेंशन करना चाहें एफ एक्स इक्वल्स टू ई माइनस एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म एफ ऑफ जीरो ई की पावर जीरो इज वन, सेकंड टर्म एक बार अगर आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आएगा माइनस ई एक्स की जगह क्या आ जाएगा जीरो तो माइनस वन, फिर अगर आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और तो यह आ जाएगा वापस प्लस ई की पावर जीरो इज वन। सो अगर यहाँ पर आप ई की पावर माइनस एक्स को पुट करते हैं तो पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म में नेगेटिव, तीसरी टर्म वापस सेम, फोर्थ टर्म में वापस नेगेटिव, तो ये आपके पास में बेसिकली एक्सपेंशन आ रहा है। अब मान लीजिए इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए साइन एक्स का एक्सपेंशन, इसी तरीके से आपको बोल दिया जाए इफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स और आपको बोला गया है एक्स इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स के ऊपर आपको एक्सपेंड करना है, तो उसने जीरो नहीं दिया पाई बाई सिक्स दिया, इसका मतलब अब यहां पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज किया जाएगा। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो। तो हमने बोला कि जो फर्स्ट टर्म है वो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए के लिए आपको पुट करना पड़ेगा यहां पर साइन, साइन ए की वैल्यू कितनी है पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स पहली टर्म। दूसरी टर्म बनेगी आपके पास में एफ डैश ए, तो आप बोलेंगे सर साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट कर लो कॉस एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह पाई बाई सिक्स, डबल डैश ए एक बार और डिफरेंशिएट करो माइनस साइन एक्स एक्स की जगह पाई बाई सिक्स, ट्रिपल डैश मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर लो माइनस कॉस एक्स एक्स की जगह क्या आ गया पाई बाई सिक्स। सो बेसिकली अब जब आप एक्सपेंशन लिखने जाएंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इसकी जगह आएगा साइन पाई बाई सिक्स प्लस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, एफ डैश की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉस पाई बाई सिक्स प्लस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल और यहां पर आ जाएगा आपके पास में डबल डैश की बारी है तो माइनस साइन आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई सिक्स, देन फिर से एक नेगेटिव साइन यहां पर रहेगा और ये बन जाएगा आपके पास में एक्स माइनस पाई बाई सिक्स होल क्यूब डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि
किस तरीके से यहाँ पर ये टेलर सीरीज एक्सपांशन है, किस तरीके से यहाँ पर टेलर सीरीज एक्सपांशन किया जा रहा है, यही पॉइंट अगर x बराबर जीरो पर किया जाता है तो आप उसे फिर से क्या बोल देते कि ये मैकलॉरिन सीरीज एक्सपांशन है। तो मेरे ख्याल से किसी का भी एक्सपांशन अगर यहां से आपसे पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से इस एक्सपांशन को कर सकते हैं। किसी का भी एक्सपांशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से ये एक्सपांशन कर पाएंगे। बोले ये सुनो, है ना। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया था जो था लेट्स स्टार्ट गेट ESE PSU, जिसके अंदर मैं शाम को जो 8 बजे क्लास होती है उसका लिंक शेयर करता हूँ। कल भी मैंने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अगर कल आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया तो अभी क्लास खत्म होने के बाद में उन क्वेश्चंस को देख लेना, वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे। और आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट वहां पर कवर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब आप एक बैलेंस बनाएंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। मतलब एक्चुअल में हमें 2 घंटे अलॉट हुए, हम इसको 3 घंटे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप दोनों ही क्लास को एज ए रेगुलर क्लास कंसीडर करके अटेंड करें। अदरवाइज क्या होगा कि वो क्लास से मतलब कि हमें लगेगी नहीं, तो फिर अगर हम लोग वहां पर कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आज 29th December हो चुका है। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग 40 से 50 मार्क्स का कम से कम मॉड्यूल आपको पढ़ा के जाएंगे, तो हम चाहते नहीं कि हमसे फॉर्मेलिटी करें, हम क्वेश्चन भी करवाएं आपको जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है लाइक आपको खुद को ऐसा फील आए कि हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मैं यहाँ सिर्फ थ्योरी थ्योरी बताऊंगा और क्वेश्चन आप एक भी नहीं करेंगे तो ऑल ऑफ सडन अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आप समझ नहीं पाएंगे करना क्या है। आप ये बोलेंगे कि हाँ थ्योरम हमें आती है, एक्सपांशन हमें आता है, पर कैसे इन सब चीजों को हम लोग यूज करें क्वेश्चन के लिए। तो आप समझिए हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 45 डेज का मॉड्यूल डिजाइन किया गया है बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया गया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टैंडर्ड एक्सपांशन है जो आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे, जिनके कुछ टर्म्स मैं यहां पर लिख रहा हूं। साइन एक्स जिसका एक्सपांशन होता है आपके पास में एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस कॉस एक्स जिसका एक्सपांशन होगा 1 - x² / 2 factorial एंड सो ऑन। उसके बाद में आता है ex जिसका एक्सपांशन होता है 1 + x + x² / 2 factorial एंड सो ऑन। उसके बाद में e^(-x) जिसका एक्सपांशन होता है 1 - x + x² / 2 factorial एंड सो ऑन। उसके बाद में ln 1 + x जिसका एक्सपांशन होता है आपके पास में x - x² / 2 + x³/3 एंड सो ऑन। ध्यान रखना फैक्टोरियल नहीं है। ln 1 - x इसका एक्सपांशन होता है -x - x² / 2 -x³/3 एंड सो ऑन। सो एटलीस्ट ये 6 एक्सपांशन अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले जाए तो आप इनके अंदर कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। ये सब चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती है किसी ना किसी तरीके से। जैसे एक बार उसने पूछ लिया था ln 1 + x 1 - x इसको एक्सपेंड कीजिए, उसने ये नहीं बताया कि किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड करना है, तो आपने बाय डिफॉल्ट 0 मान लिया। तो देखिए अगर ये एक्सपेंशन आपको पता होता तो पहली चीज तो इसको आप लिख देते ln 1 + x - ln 1 - x। सो 1 + x की अगर मैं बात करूंगा तो ये 1 + x का एक्सपेंशन हुआ, 1 - x की अगर मैं बात करूंगा तो ये 1 - x का एक्सपांशन हुआ। तो इसमें से इसको माइनस कर दो जो भी टर्म्स बच रही होगी, जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो डबल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपांशन आपको वहां पर देना था, क्योंकि अदरवाइज इसके लिए f'x पता करना, f" पता करना वो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड एक्सपांशन आपको पता रहेंगे तो चीजों को आप ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड एक्सपांशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जिस पर अभी हम चर्चा कर देते हैं। तो टेलर सीरीज एक्सपांशन क्या होता है ये बात मैंने आपको बता दी है। मैकलॉरिन सीरीज एक्सपांशन जो है वो एक्चुअल में इसी टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस है।
मैकलरिन सीरीज एक्सपांशन जो है वो इसी टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। लेट सपोज अगर आपको एक्सपेंड करना हो, लेट सपोज अगर आपको दिया गया हो fx equals to 1 plus x की पावर n, और इसको अगर आप एक्सपेंड करने जाए तो आपने बोला सर fx equals to f of 0 अकॉर्डिंग टू मैकलरिन, x f'0 plus x² by 2 factorial f" (0) एंड सो तो हमने बोला f ऑफ जीरो कितना आ रहा है, तो आपने बोला सर f ऑफ जीरो जीरो पुट कर दीजिए 1। f डैश जीरो कितना आ रहा है, तो आपने कहा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा n 1 plus x और इसकी पावर n माइनस 1, तो 1 plus 0 इसकी पावर n माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास में n। f डबल डैश जीरो कितना आ रहा है, तो आपने बोला n तो पहले से है n माइनस 1 plus 0, तो ये बन गया n n माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास में एक्सपांशन आ रहा है 1 plus x की पावर n, ये कितना आ रहा है आपके पास में 1 plus nx n n minus 1 x square by 2 factorial and so on। So, ये आपके पास में एक्सपांशन आ रहा है 1 plus x की पावर n का, और ये कोई नई चीज नहीं है। ये कौन है? बाइनोमियल एक्सपांशन। और बाइनोमियल एक्सपांशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन कहां से आ रहा है? मैकलरिन सीरीज एक्सपांशन से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जैसे मैकलरिन मैकलरिन आपका जो दिया गया है वो बेसिकली टेलर सीरीज एक्सपांशन का एक स्पेशल केस है। सो ऑफकोर्स बाइनोमियल भी जो है वो मैकलरिन सीरीज का एक स्पेशल केस है, या बोल सकते हो मैकलरिन सीरीज का एक एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने बाइनोमियल को बाई द हेल्प ऑफ मैकलरिन से यहाँ पर डिफाइन किया। इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो कल जो मैंने क्लास ली थी 8 से 9, अगर मैं बात करूं कल या परसों दोनों में, तो एक और एक्सपांशन मैंने यूज किया था 1 minus x minus n। देखिए अगर इसका एक्सपांशन आप करेंगे तो पहला टर्म f ऑफ जीरो आप जीरो पुट करेंगे 1 की पावर -1 - n, तो ये तो 1 ही आने वाला आपके पास। f डैश जीरो की अगर आप बात करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस n, और यहां पर आ जाएगा 1 minus x minus n - 1। 1 minus x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा। सो ओवरऑल ये आपको क्या दिया गया है? 0। तो ये बन जाएगा आपके पास में प्लस n। इसी तरीके से f डबल डैश 0, सो ऑलरेडी एक n तो है ही है, और ये देखिए ये आपके पास में पहले से है -n - 1, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो और ये बन जाएगा n प्लस 1। और अब यहां से आपके पास में ये बन जाएगा 1 minus x minus n - 2, और जब आप 1 minus x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर प्लस 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल x को क्या करना है आपको? 0, तो ये बन गया n n प्लस 1। तो कल भी मैंने आपको कल नहीं शायद परसों जो मैंने क्लास ली थी यूट्यूब के ऊपर उसके अंदर इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया था 1 plus nx plus n n plus 1 divided by 2 factorial x square and so on। So maybe ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पर जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपको समझ नहीं आया होगा कि सर ये चीज क्या लिख रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं और इसको देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ उस दिन हमने यही सब डिस्कस किया था। तो अगर आप दोनों क्लासेस को पैरेलली करते जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आप क्रिस्टल क्लियर मैनर में समझ पाएंगे। जैसे कि अगर आज की क्लास आप देखें तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि कुछ थ्योरी भी हम लोग कवर करें ताकि जो टाइम हमें मिला उस टाइम लिमिट के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग सीख सकें। और जो 8 बजे वाली क्लास होती है हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा करें जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, बोलिए यस सुनो, क्लियर? चलिए, वेरी गुड। सो मेरे ख्याल से इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई है। क्या क्या कहानी मैंने आपको बताई है? आज मैंने आपको बताया लग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, कोचेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है,
टेलर सीरीज क्या होती है, मैकलॉरिन सीरीज क्या होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, ये कहानी आपको क्लियर हो गई। अब यहां से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा और सिंगल वेरिएबल फंक्शन। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। देखिए यहां से मैं आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। देखिएगा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं अगर आपको बताऊं बाय द हेल्प ऑफ कर्व बताता हूं। चलिए ये एक्स, ये आपके पास में वाई। सो हमने कहा कि जो कर्व है, लेट अस सपोज अगर कर्व कुछ ऐसा हो, सो हमने क्या बोला कि ये हमारे पास में एक फंक्शन है, कौन है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। आपने बोला सर मैक्सिमा और मिनिमा की चर्चा आपको इसके लिए करनी है, तो मैक्सिमा और मिनिमा की चर्चा अगर आपको इसके लिए करनी है तो क्या तरीका होता है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। देखिए ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं, ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं यहां से लेकर यहां तक का, इस कर्व को बोलते हैं कॉनकेव अप कर्व, और इसको आप कॉन्वेक्स कर्व भी बोल सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं इसको आप कहेंगे बेसिकली कॉनकेव डाउन। और इसी को आप कॉनकेव कर्व भी बोल सकते हो, इसी को आप कॉनकेव कर्व भी बोल सकते हो। क्लियर है? कॉनकेव अप और कॉन्वेक्स जो कर्व आ रहा है उसकी क्या खास बात है, कॉन्वेक्स कॉनकेव डाउन और कॉनकेव कर्व जो आ रहा है उसकी क्या खास बात है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप बना वो जीरो है, इसे बोलेंगे dy by dx equals to zero। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप आ रहा है dy by dx वो कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है। इस पॉइंट से पहले अगर आप स्लोप देखेंगे तो ये जो स्लोप आएगा dy by dx ये आएगा ग्रेटर देन जीरो। इस पॉइंट के बाद में अगर आप स्लोप देखेंगे तो ये जो स्लोप है dy by dx less than zero। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप स्लोप देखेंगे तो ये जो स्लोप है ये है dy by dx less than zero। इस पॉइंट के बाद में अगर आप बात करेंगे तो ये जो स्लोप है ये है dy by dx greater than zero। So of course आप देख सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट अपने नियरर पॉइंट से सबसे ऊपर है, ये वाला पॉइंट अपने नियरर आसपास के पॉइंट से सबसे ऊपर है। एक्चुअल में इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं यहां पर, रिलेटिव मैक्सिमम। ये जो पॉइंट है अपने आसपास वाले पॉइंट से काफी नीचे है, इसलिए इस तरह के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मिनिमम। रिलेटिव मैक्सिमा के अंदर जो पॉइंट है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है वो ये है कि सर पहले स्लोप थी पॉजिटिव, फिर हो गए स्लोप नेगेटिव। रिलेटिव मिनिमा में जो पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि सर पहले स्लोप थी मेरे पास में नेगेटिव, फिर हो गई पॉजिटिव।
तो इन सब पॉइंट्स को अगर कंक्लूड करके मैं कुछ अच्छी बातें आपको यहां पर लिखवाऊं तो ये है कि मैक्सिमा और मिनिमा अगर मुझे फाइंड करना है, स्टेप नंबर वन, मैक्सिमा और मिनिमा अगर मुझे फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे फाइंड करने पड़ते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स. सो फॉर y इक्वल्स टू एफ एक्स फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स. अभी वापस आएंगे कर्व के ऊपर. कैसे पता करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स? dy by dx equals to zero. यहां से स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे. लेट अस सपोज x बराबर a, b, c एंड d. चार आपको स्टेशनरी पॉइंट मिले. तो हमने कहा कि सर एक बार मार्क कर देते हैं चार कौन कौन से हैं. एक, देखो इस पे स्लोप जीरो है, इस पर भी स्लोप जीरो है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्लोप जीरो है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्लोप क्या दिखाई दे रहा है आपको? जीरो दिखाई दे रहा. तो आपने कहा कि सर एक पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू a, एक पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू b, एक पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू c, एक पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू d, एक पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू c और x इक्वल्स टू d. तो हमने बता दिया कि कौन कौन सा वो स्टेशनरी पॉइंट है जिसको यहां पर मार्क किया जा सकता है. अब आगे का स्टेप, स्टेप नंबर टू, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स. इफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज ग्रेटर देन जीरो तो वो पॉइंट होगा आपका रिलेटिव मिनिमा. इफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज लेस देन जीरो तो वो पॉइंट होगा बेटा आपका रिलेटिव मैक्सिमम. एंड इफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू जीरो एंड डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री नॉट इक्वल्स टू जीरो तो वो पॉइंट होगा आपका सैडल पॉइंट. तो अभी हम सैडल पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे लेकिन पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं. सर अभी अभी आपने जो पॉइंट्स बताए थे उसमें सेकंड डेरिवेटिव की चर्चा नहीं हुई थी, तो क्या उस तरीके से हम लोग रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स फाइंड कर सकते हो. देखिए फॉर रिलेटिव मैक्सिमा, सो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहां पर रिलेटिव मैक्सिमा के लिए? आपने ऑब्जर्व किया कि सर अगर रिलेटिव मैक्सिमा की चर्चा हो रही है तो रिलेटिव मैक्सिमा ये वाला पॉइंट है, इससे पहले स्लोप आपके पास में पॉजिटिव और इसके बाद में जो स्लोप है वो आपके पास में नेगेटिव है. तो आपने देखा कि यहां पर फॉर रिलेटिव मैक्सिमा जो स्लोप है वो आपके पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रही है. अगर किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप आपका जीरो रहा होगा और उससे पहले स्लोप पॉजिटिव रहा उसके बाद में स्लोप आपका नेगेटिव रहा तो स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसलिए उस पॉइंट को आप बोलेंगे रिलेटिव मैक्सिमा. सेम कहानी अगर मैं बात करूं फॉर रिलेटिव मिनिमा, फॉर रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा के लिए भी आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो dy by dx है ये लेस देन जीरो है, ये dy by dx है वो ग्रेटर देन जीरो है. तो नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप की साइड आप बढ़ रहे हो. तो आप बोलेंगे सर अगर मैं नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप की साइड बढ़ रहा हूं तो वो पॉइंट जहां पर स्लोप जीरो रहा होगा उसको आप रिलेटिव मिनिमा बोलने वाले हैं. चलिए इतना पॉइंट क्लियर हो गया. अब आगे की बात सुनिए. आपके पास में y बराबर fx के लिए, y इक्वल्स टू fx के लिए देखिए ये भी रिलेटिव मिनिमा है और ये भी रिलेटिव मिनिमा है. ये भी क्या है आपके पास में? रिलेटिव मिनिमा. So, एक से ज्यादा रिलेटिव मिनिमा पॉसिबल है बट इन दोनों में जो मिनिमम है, इन दोनों में भी जो मिनिमम है उसको बोला जाएगा ग्लोबल मिनिमा. एक से ज्यादा रिलेटिव मिनिमा पॉसिबल है. रिलेटिव का मतलब अपने आसपास वाले से मिनिमम, ग्लोबल का मतलब पूरे कर्व में जितने भी मिनिमम उन सब में जो मिनिमम होगा उसको बोला जाएगा ग्लोबल मिनिमम. तो आप बोल सकते हो सर
वाई बराबर एफ एक्स में दो रिलेटिव मिनिमा है, रिलेटिव मिनिमा दो है, एक है एक्स इक्वल्स टू बी एंड है एक है एक्स इक्वल्स टू आई थिंक डी, लेट मी वेरीफाई, एक्स इक्वल्स टू बी एंड एक्स इक्वल्स टू डी. तो एक्स इक्वल्स टू बी एंड एक्स इक्वल्स टू डी बोथ आर रिलेटिव मिनिमा, बट एक्स इक्वल्स टू बी इज एक्चुअली नोन एज ग्लोबल मिनिमा. क्यों सर? क्योंकि ये इन दोनों में मिनिमम है. y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसके लिए अगर आप फाइंड करें रिलेटिव मैक्सिमा, तो दो पॉइंट ऐसे आएंगे x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू सी, जो कि रिलेटिव मैक्सिमा है. ये a और ये c, इन दोनों में c पर फंक्शन बड़ी वैल्यू रख रहा है, इसलिए रिलेटिव, ये तो हो गया था ना ग्लोबल. ग्लोबल मैक्सिमा, क्लियर है? सो ग्लोबल मैक्सिमा का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको यहां पर अब बता दिया है. अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर मान लीजिए आपका फंक्शन थ्रू आउट ऐसे बढ़ रहा हो, आपका फंक्शन थ्रू आउट ऐसे बढ़ रहा हो, तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर स्लोप पॉजिटिव, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव. अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, तो आप बोल रहे हैं सर यहां पर स्लोप पॉजिटिव, यहां पर स्लोप पॉजिटिव, यहां पर स्लोप जीरो, देन पॉजिटिव, देन पॉजिटिव, देन जीरो. तो आपने क्या देखा कि सर इस केस में f डैश x वो ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन इस डैश इस कंडीशन में f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है. सो जब आप सेकंड केस को देख रहे हैं तो फंक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कांस्टेंट, देन बढ़ रहा है कांस्टेंट. इस तरह के फंक्शन को आप बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. सो अगर स्लोप आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आता है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग. लेकिन यहां पर देख रहे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, कहीं पर भी कॉन्स्टेंट में नहीं हो रहा. इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर आपका फंक्शन किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल देते हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल देते हो. सेम कॉन्सेप्ट डिक्रीजिंग के केस में भी लगता है. इफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन. इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर है? मेरे ख्याल से दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे. सो अब वापस आ जाते हैं यहां पर. सो रिलेटिव मिनिमा क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ये तीनों चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिया. अब जो पॉइंट आता है आपके सामने वो आता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन. सो अगर आपको फाइंड करना हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो आपने बोला सर अगर हमें एफ मैक्स फाइंड करना है तो ये लिखा जाएगा मैक्सिमम बिटवीन एफ एक्स एट ऑल रिलेटिव मैक्सिमा. हमने कहा कि दो रिलेटिव मैक्सिमा हमारे पास में इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, तो ये बनेगा मैक्सिमम बिटवीन एफ ऑफ ए
कॉमा एफ ऑफ बी, सॉरी एफ ऑफ सी, सी पर है ना मैक्सिमा। तो आपको पता चला कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी में से एफ ऑफ सी बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में आपने लिख दिया एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखिए अगर मिनिमम वैल्यू की चर्चा हो रही है तो आप लिखेंगे सर एफ मिनिमम इक्वल्स टू मिनिमम बिटवीन एफ एक्स एट ऑल मिनिमा, जितने भी मिनिमा है उन पर चेक कर लो, जिस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। तो हमने बोला दो मिनिमा है, एक बी के ऊपर है और एक डी के ऊपर है, तो ऐसे कंडीशन में जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो बी के ऊपर मिल रही है, तो उसी को आपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बता दिया, उसी को आपने क्या कर दिया फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बता दिया। लेकिन ये जो अप्रोच है ये कब लगानी होती है, ये अप्रोच आपको तब लगानी होती है जब कोई भी इंटरवल गिवन नहीं होता है। क्या मतलब है सर इसका, देखो आप खुद से लॉजिकली ये बात चर्चा कर सकते हो कि सर अगर वो नीचे तक कहीं ना कहीं तक जा रहा हो, ये भी ऊपर तक कहीं ना कहीं तक जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू आपके पास मिनिमम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वैल्यू आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। पर लॉजिकली अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, लॉजिकली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वैल्यू सबसे बड़ी है, ये वैल्यू सबसे कम है। So, अगर आपको कोई इंटरवल गिवन होता है, अगर आपको कोई इंटरवल गिवन होता है, लेट्स से सपोज ये x इक्वल्स टू e टू x इक्वल्स टू f, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल e टू f, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो आपका जो फॉर्मूला है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता। आप बोलते एफ मैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम, मैक्सिमम बिटवीन एफ एक्स एट ऑल रिलेटिव मैक्सिमा एंड एफ ऑफ ई, जो भी बाउंड्री पॉइंट्स है उनके ऊपर भी आपको चेक करना पड़ता। और जब आप यहां से देखेंगे तो एफ मैक्स आप देखेंगे एफ ऑफ एट एक्स इक्वल्स टू एफ, ये वैल्यू आपके पास सबसे ज्यादा है। एफ मिनिमम, सो मिनिमम बिटवीन एफ एक्स एट ऑल रिलेटिव मिनिमा कॉमा f of e f of f, so f minimum equals to minimum between f of minima कहां कहां पर है, b पर है, minima कहां पर है, d पर है, f of e comma f of f। so basically जब आप यहां से compare करेंगे तो e point के ऊपर function की सबसे छोटी value मिल रही है। so make sure कि जब आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो वहां पर आपको लिमिट दी गई है या नहीं दी गई है। अगर लिमिट दी गई है तो मतलब इंटरवल दिया गया है तो यहां से सॉल्व करेंगे, अगर इंटरवल नहीं दिया गया तो बिल्कुल आप यहां से सॉल्व करके प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर कंसिडर करके आपको ये बात समझाता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन कंसिडर करके मैं ये बात आपको कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास, इस क्वेश्चन के लिए अगर सारी इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी हो, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा मैं अभी, देखो सारी इंफॉर्मेशन अभी कलेक्ट करते हैं। ओके, सो
कैसे कलेक्ट करेंगे? सबसे पहले आपने पता किया एफ डैश, सबसे पहले आपने क्या किया यहां पर फाइंड किया एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ये आ रहा आपके पास में टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अंदर जो टर्म आ रही है उसका डिफरेंशिएशन टू एक्स। सो ये आ रहा आपके पास में एफ डैश एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप लिखेंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये आपके पास में एफ डैश एक्स आ गया। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर हम पहले यहां से स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो जब स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को आपको जीरो पुट करना पड़ेगा। तो आपने बोला एफ डैश एक्स बराबर जीरो, तो ये आ गया फोर एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तीन पॉइंट आ रहे हैं एक्स बराबर जीरो माइनस वन एंड प्लस वन, इन तीनों पॉइंट्स को बोला जाता है स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स। एक सेकेंड, ध्यान रखना पड़ता है बैटरी कभी भी खत्म हो जाती है। स्टेशनरी पॉइंट्स ये है। फिर आपको पता करना है सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई डी एक्स टू। तो जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मान लीजिए इसको ऐसा लिख लो ना, अभी फोर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जब आप 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओनली 4 आएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज प्लस। जब आप यहां पर 4x को एज इट इज छोड़ दो, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x। सो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं यहां पर डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल्स टू ये बन रहा है आपके पास में 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास में डी टू वाई dx2, ये बन जाएगा आपके पास में 12x square minus 4, 12x square minus 4। अब हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं कि कहां पर रिलेटिव मैक्सिमा आ रहा है, कहां पर रिलेटिव मिनिमा आ रहा है। तो हमने यहां पर चेक किया कि x equals to 0 के ऊपर, तो सेकंड डेरिवेटिव d2y dx2 कहां पर at x equals to 0 के ऊपर, जब x equals to 0 पर पुट किया तो ये आ रहा है minus 4, माइनस फोर मतलब लेस देन जीरो। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो के ऊपर आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव मैक्सिमा। उसके बाद में डी टू वाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल्स टू वन के ऊपर, तो जब आप इसके अंदर वन पुट करेंगे 12 माइनस फोर इज एट विच इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू वन पर आपको रिलेटिव मिनिमा देखने को मिलेगा। फिर आपने थर्ड पॉइंट फाइंड किया डी टू वाई dx2, x equals to minus 1 पे, minus 1 पुट करेंगे तो फिर से ये आ गया आपके पास में 12 minus 4 is 8 greater than 0, इसका मतलब x equals to minus 1, इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, relative minimum। So ये तीन पॉइंट थे जो हम लोगों ने फाइंड कर लिए, और मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से डील करके आपको बताता हूँ, इसी पॉइंट को मैं दूसरे तरीके से आपको डील करके बताता हूँ। अगर मैं बात करूं अल्टरनेट मेथड आप बोल सकते हो इसे। सो आपने बोला सर एफ डैश एक्स जो है वो आपने अभी भी फाइंड किया, एफ डैश एक्स कितना है आपके पास में, एफ डैश एक्स आ रहा है 4x x स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली आप मेंशन कर दीजिए 4x x प्लस 1 x माइनस 1, कुछ ऐसे 4x x प्लस 1, अरे यार 4x x प्लस 1 x माइनस 1, क्लियर है। अब यहां पर एक नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन के ऊपर जितने भी स्टेशनरी पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर दो। सो आपने बोला एक तो x बराबर 0 है, एक x बराबर माइनस 1 है, एक x बराबर प्लस 1 है। तो मैंने बोला x इक्वल्स टू माइनस 1 से पहले, सो माइनस 1 से पहले कोई भी जो नंबर है ना वो सेलेक्ट कर लो। हमने कहा माइनस 1 से पहले माइनस 2, माइनस 2 वहां पर पुट करके देखिए तो ये वाली टर्म आपके पास में क्या आ रही है, नेगेटिव। ये टर्म क्या आ रही है, नेगेटिव, और ये टर्म क्या रही है, नेगेटिव। सो ओवरऑल तीनों ही टर्म नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास में एफ डैश एक्स जो है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। हमने बोला माइनस वन से जीरो के बीच में, तो आपने बोला माइनस वन से जीरो इसके बीच में कोई सा भी पॉइंट ले लो, माइनस पॉइंट फाइव, माइनस पॉइंट फाइव पुट करेंगे तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, माइनस पॉइंट फाइव अगेन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो इस बार जो टर्म आ रही है वो कैसी आ रही है, एफ डैश एक्स की, वो पॉजिटिव आ रही है, तो यहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर आप देखिए जीरो से वन के बीच में,
तो 0 से 1 के बीच में प्लस 0.5 ले लो, ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, सो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये टर्म आएगी आपके पास में नेगेटिव। प्लस 1 से ज्यादा प्लस 2 ले लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या आ रहा है आपके पास में पॉजिटिव। सो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले स्लोप नेगेटिव, इसके बीच में पॉजिटिव, इसके बीच में नेगेटिव, फिर आपके पास में स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब देखिए इस बात को समझिए, यहां पर x इक्वल्स टू माइनस 1 के ऊपर, इससे पहले स्लोप नेगेटिव, इसके बाद में पॉजिटिव, तो स्लोप बदल रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, स्लोप बदल रही है बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव। ध्यान से देखिए कहां बताया था, स्लोप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव बदलती है, तो उसको क्या बोला जाएगा, रिलेटिव मिनिमम। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव मिनिमम। स्लोप बदल रही है देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, इस पर क्या मिलेगा, रिलेटिव मैक्सिमम। स्लोप बदल रही है देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या मिलेगा, रिलेटिव मिनिमम। मेरे ख्याल से सभी पॉइंट्स स्टूडेंट्स क्लियर कर पा रहे हैं। तो बड़ी आसानी से आपने मैक्सिमा मिनिमा और अगेन जो मिनिमा मिल रहा है वो फाइंड कर लिया। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पर है, fx जो है वो कहां पर इंक्रीजिंग है, तो आप बोलेंगे जहां पर स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे जब आपका x जो है वो -1 से 0 के बीच में होगा, यूनियन +1 से इंफिनिटी तक, इसके बीच में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। फिर उसने बोला नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ, हमने बोला अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है तो उन पॉइंट्स को छोड़ दो जहां पर स्लोप जीरो हो रही है, यहां जीरो हो रही है, यहां जीरो हो रही है, यहां जीरो हो रही है, तो -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये लो। उसने बोला बताओ फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग कहां पर है, तो हमने कहा अगेन जहां स्लोप नेगेटिव है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से +1। उसने बोला नहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताओ, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात होगी तो आप जहां स्लोप जीरो हो रहा है उन पॉइंट्स को छोड़ दीजिए। सो देखिए ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। पता चले सिर्फ मैं अकेला ही सीख रहा हूं, आप लोग सीख ही नहीं रहे कोई पॉइंट, है ना। समझ पा रहे हो, देखिए जरा कौन कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ, उनसे चर्चा करें वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। मैं तो लिस्ट भी नहीं देख पा रहा यार, कैसे दिखती है लिस्ट। पता नहीं चेक नहीं कर पा रहे, हाँ लेकिन बताओ सभी लोग समझ पा रहे। अच्छा हाँ मिल गई लिस्ट, हाँ अब मिल गई। अदिति, आकांक्षा, अनिकेत, आशीष, भागेश, ईशान, कल्याणी, कावेरी, लीना, मयूरी, मयूरेश, ओम, पवन, प्रसाद, प्रथमेश, एक और प्रथमेश ये है यहाँ पर, रजत, साहिल, समीक्षा, श्रुति, तुषार, वैष्णव, विक्रम। आई होप सभी स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं पॉइंट्स को, सभी स्टूडेंट्स पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इतनी मेहनत से मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब टाइम बहुत होता है ना तो हर एक पॉइंट पर बहुत सारी चर्चा की जा सकती है, लेकिन टाइम की कमी रहती है तो यहां पर हमें थोड़ा सा पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए जल्दी 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 कवर करना होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर मैंने एक ही प्रॉब्लम से बहुत सारी चीजें आपको बता दी है,
लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर और प्रॉब्लम डिजाइन नहीं की जा सकती। कल का जो यूट्यूब का क्लास था उसके अंदर मैंने मैक्सिमा मिनिमा पर एक क्वेश्चन करवाया जिसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज हुआ है, तो आप लोग उसको जरूर जाके देखें वहां पर। और आज की क्लास जो होगी उसके अंदर मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिंगल इंटीग्रेशन इसलिए करवाएंगे ताकि कल हम लोग इस क्लास में डबल इंटीग्रेशन के ऊपर चर्चा कर सके, अगर वहां तक पहुंच पाए तो। ठीक है, चलिए। तो एक और पॉइंट मुझे यहां पर बताना था, जैसे अभी हमारे पास एक पॉइंट आया सैडल पॉइंट, तो अब वो सैडल पॉइंट की कहानी क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपने फाइंड किया डी वाई बाय डी एक्स और डी वाई बाय डी एक्स को आपने किया इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू आया ए बी सी डी ऐसे रैंडमली, और मान लो एक और पॉइंट आया होगा स्मॉल ई, फिर आपने पता किया सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई डी एक्स टू कहां पर x इक्वल्स टू e के ऊपर, और x इक्वल्स टू e के ऊपर ये हो गया जीरो। फिर आपने चेक किया डी थ्री वाई डी एक्स थ्री कहां पर x इक्वल्स टू e के ऊपर, और x इक्वल्स टू e के ऊपर ये आपके पास में नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो बेसिकली x इक्वल्स टू e को बोला जाएगा सैडल पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, जब सैडल पॉइंट की चर्चा हो रही है तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन जब आप बात करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली बात करेंगे डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल्स टू जीरो। और यहां से अगर आपको कोई पॉइंट मिल रहा है स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू एंड स्मॉल आर, तो ऐसी कंडीशन में ये तीनों आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं। आप चेक करेंगे डी थ्री वाई डी एक्स थ्री, डी थ्री वाई डी एक्स थ्री आप चेक करेंगे यहां पर, अगर ये आ रहा है आपके पास में एक्स इक्वल्स टू पी पर not equals to zero, x equals to q पर भी not equal to zero आ रहा है, x equals to r पर भी not equal to zero आ रहा है, इसे बोला जाएगा point of inflection। अब इन तीनों point के ऊपर dy by dx zero हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। So for saddle point dy by dx equals to zero is a necessary condition, but for point of inflection dy by dx जो है वो necessary condition नहीं है। आप सिर्फ d2y by dx2 के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या मतलब है सर इसका? एक example मैं आपको यहाँ पर भी दे देता हूँ। मान लीजिए आपको दिया गया है y equals to, x plus 2x4, तो अगर आपको दिया गया है y equals to x plus 2x4, तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले पता करेंगे y dash, ये y dash क्या आएगा 1 plus 8x cube, उसके बाद पता करेंगे आप y double dash क्या आएगा आपके पास में 0 plus 24x square। सो यहां पर क्या हो रहा है हमें मतलब ही नहीं है, हम बात करेंगे double dash second derivative, so 24x square equals to 0, तो x square equals to 0, तो x equals to कितना आ रहा है आपके पास में 0। तो 0 वो पॉइंट है जो आपका सैडल पॉइंट हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो 0 वो पॉइंट है जो आपका सैडल पॉइंट हो सकता है। आप यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव से जो 0 आ रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे यहां पर सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर। तो सेकंड डेरिवेटिव से आपके पास सिर्फ जीरो आ रहा है, अगर ये आपके पास में जीरो आ रहा है तो अब आप पता कीजिए थर्ड डेरिवेटिव जब आपने पता किया तो ये कितना आ रहा है आपके पास में, ध्यान से देखिए 48x। सो हमने बोला थर्ड डेरिवेटिव व्हेन x इक्वल्स टू 0, ये भी क्या आ गया 0, देखिए ये भी क्या आ गया 0।
हमने बोला कंडीशन क्या थी हमारे पास, कंडीशन क्या थी हमारे पास, कंडीशन थी हमारे पास में अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ऐसे कंडीशन में उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाएगा, जिसका एक एग्जांपल मैं कल की यूट्यूब क्लास में करवा चुका हूं। लेकिन हमने बोला व्हाट इफ अगर ये जीरो हो जाए, क्या होगा अगर ये जीरो हो जाए। देखिए यहां तक की कहानी आप सभी लोगों को पता होती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है वो सुनिए, इसके बाद क्या होता है वो सुनिए। वाई डैश इक्वल्स टू जीरो, यहां से मिलता है बेटा स्टेशनरी पॉइंट। देखिए मैं आपको आगे कहानी बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, स्टेशनरी पॉइंट। फिर आप बोलते हैं सर y डबल डैश पता करो, और y डबल डैश अगर आपका ग्रेटर देन जीरो होता है, y डबल डैश अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो रिलेटिव मिनिमा, y डबल डैश अगर आपका लेस देन जीरो होता है तो रिलेटिव मैक्सिमा, y डबल डैश अगर आपका इक्वल टू जीरो होता है एंड y ट्रिपल डैश नॉट इक्वल टू जीरो होता है तभी इसको क्या बोला जाता है, सेटल पॉइंट। लेकिन सोचिए अगर आपका y ट्रिपल डैश जीरो हो गया तो, सो y ट्रिपल डैश अगर आपका जीरो हो जाए तो आप क्या करेंगे यहां पर y फोर्थ डेरिवेटिव पता करो, और फोर्थ डेरिवेटिव अगर फोर्थ डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर तो वो होगा आपके लिए रिलेटिव मिनिमा, फोर्थ डेरिवेटिव अगर आपका लेस देन जीरो आ रहा तो वो होगा रिलेटिव मैक्सिमा। लेकिन फोर्थ डेरिवेटिव अगर आपका जीरो आ गया एंड फिफ्थ डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो उसे बोला जाएगा सैडल पॉइंट। सर व्हाट इफ अगर फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो हो गया तो आप पता करेंगे यहां पर सिक्स्थ डेरिवेटिव, आप क्या पता करेंगे यहां पर सिक्स्थ डेरिवेटिव, और ये चेन इसी तरीके से चलती रहती है, ये जो चेन है इसी तरीके से चलती रहेगी, सिक्स्थ डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो रिलेटिव मिनिमा, सिक्स्थ डेरिवेटिव अगर आपका लेस देन जीरो तो रिलेटिव मैक्सिमा। मेरे ख्याल से पॉइंट आप समझ पा रहे हो। सो आपने देखा कि यहां पर सर ये तो थर्ड डेरिवेटिव जीरो हो गया, हमने कहा थर्ड डेरिवेटिव अगर जीरो हो गया तो फोर्थ डेरिवेटिव पता करो, फोर्थ डेरिवेटिव पता करो, फोर्थ डेरिवेटिव जब आप पता करेंगे, हालांकि देखिए पॉइंट आपका खत्म हो गया, एक्स बराबर जीरो इज नॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो अगर कोई बोलता है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ तो आप क्या बोलोगे, जीरो। आप क्या बोलोगे यहां पर आंसर, जीरो। लेकिन कभी कभी इतना बताने के बाद में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी इतना बताने के बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं अच्छा थर्ड डेरिवेटिव जीरो तो फोर्थ डेरिवेटिव पता कर लो, फोर्थ डेरिवेटिव पता कर लो, फोर्थ डेरिवेटिव कितना आ रहा है 48, वो बोलते हैं फोर्थ डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, फोर्थ डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तो x बराबर जीरो इज अ रिलेटिव मैक्सिमा, सॉरी रिलेटिव मिनिमा। नहीं बेटा आप गलती कर रहे हो, आप यही तो गलती आपको सीखनी है, यही तो पॉइंट है जो आपको सीखना है। जब ये चीज बताई जा रही है तो आप ये सारा डिस्कशन कर रहे हो स्टेशनरी पॉइंट्स पर, और ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की चर्चा होती है तो आप ये सब पॉइंट्स पता कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव से जो पॉइंट आता है ना वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता, और वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं है तो ये लिखना गलत हो जाएगा आपका। यहां से सिर्फ इतना बोल पाओगे कि यह आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, बस ये मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा। अरे क्यों ये चर्चा कर सकते हो, ये सेकंड डेरिवेटिव से पॉइंट आया है। ये चर्चा होती है जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ पॉइंट फाइंड करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो किया जाता है उसी को पॉइंट ऑफ उसी को आप स्टेशनरी पॉइंट बोलते हो। सो देखिए यहां पर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जो मैं यहां पर डिस्कस करके आपको बता रहा हूं। जब आप सेटल पॉइंट की चर्चा करते हैं तो आप मूव करते हैं फ्रॉम द स्टेशनरी पॉइंट्स, जब आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं तो आप मूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। सो सेकंड डेरिवेटिव में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आप बोल देते हो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, बस खत्म, कहानी खत्म। लेकिन अगर आप सेटल पॉइंट की बात कर रहे हैं, आपने बोला सेकंड डेरिवेटिव आपका इक्वल्स टू जीरो है, थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए तो उसको बोला जाएगा सेटल पॉइंट। लेकिन व्हाट इफ अगर थर्ड डेरिवेटिव आपका इक्वल्स टू जीरो आ गया, अगर थर्ड डेरिवेटिव आपका इक्वल्स टू जीरो आ गया तो इस पूरे प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करो, इस पूरे प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करो। लेकिन ये प्रोसेस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, ये प्रोसेस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में फॉलो नहीं किया जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ये प्रोसेस फॉलो आप नहीं करोगे। जैसा कि ये क्वेश्चन था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बात कर रहे हैं आप लोग तो फर्स्ट डेरिवेटिव की कोई चर्चा ही नहीं हुई, सेकंड डेरिवेटिव में आपने क्या देखा, एक पॉइंट मिला x बराबर जीरो, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, बस खत्म कहानी।
आगे कुछ भी डिस्कशन नहीं होता, ऐसा मत कर देना, क्योंकि x बराबर 0 इज नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट. अगर वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं है तो मिनिमम मैक्सिमा कुछ भी नहीं हो सकता. बोलिए यार सभी स्टूडेंट्स, ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सभी स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए तो ये जो कहानी थी बेटा, ये पूरी कहानी आपकी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर थी. अगर मैं बात करूं यहां पर सेम कहानी, सेम कहानी फॉर डबल वेरिएबल, कि अगर मैक्सिमा मिनिमा हमको डबल वेरिएबल में फाइंड करना हो तो उसे कैसे फाइंड किया जाएगा वो देखते हैं. अगर डबल वेरिएबल की मैं चर्चा करना चाहूं तो आप बोलेंगे यहां पर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन विद टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल फंक्शन के साथ में मैक्सिमा मिनिमा हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं. तो हमने बोला कि सर लेट अस सपोज जेड, लेट अस सपोज जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. तो जेड आपका फंक्शन है बेसिकली एक्स एंड वाई दो वेरिएबल का. तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको सॉल्व करने के लिए आपको पांच टर्म फाइंड करनी पड़ती है, डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई dy, del 2z by del x del y, sorry, del x2, del 2z by del x del y, del 2z by del y2. इसे बोला जाता है p, इसे बोला जाता है q, r, s. ये जस्ट नोटेशन है जो हम लोग यूज करते हैं, P Q R S T. देखिए अगर मैक्सिमा मिनिमा हम लोग फाइंड करने जाएं, अगर मैक्सिमा मिनिमा हम लोग फाइंड करने जाएं तो स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले डेल Z बाय डेल X, डेल Z बाय डेल Y इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो. यहां से आप फाइंड करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स, यहां से आप फाइंड करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स. उसके बाद में आप लिखेंगे स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू. स्टेप नंबर टू बोलता है कि आप चेक कीजिए, फाइंड कीजिए डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू विच इज आर, डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई. अच्छा ये डेल एक्स डेल वाई हो या फिर डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स, दोनों एक ही चीज होती है. फिर उसके बाद में आप पता कीजिए स्मॉल एस, उसके बाद में आप पता कीजिए डेल टू जेड बाय डेल वाई टू स्मॉल टी, स्टेप नंबर थ्री. आप फाइंड करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर. सर आर कौन है, टी कौन है, एस कौन है, मैंने बता दिया. अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आ रहा है, अगर RT minus S square equals to zero आ रहा है, तो जब RT minus S square आपका greater than zero होगा, ऐसी condition में ही आपको extremum values मिलने वाली है. लेकिन RT minus S square अगर less than zero है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कोई भी extremum नहीं है, extremum value नहीं है. अगर extremum value नहीं होती है, तो उसे बोला जाता है saddle point. अगर ये इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर नो कंक्लूजन. एक्चुअल में क्या होता है कि जब सिंगल वेरिएबल होता है और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप उसे ड्रॉ करके देख सकते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं मोर देन वन वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल, तो उसको ड्रॉ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता.
इसलिए आप डायरेक्टली बोल देते हैं कि यहां पर कोई कंक्लूजन आपके पास में है ही नहीं। तो ध्यान रखना ये नो एक्सट्रीमम नहीं है, नो कंक्लूजन, हमारे पास में कोई आंसर नहीं आया, किसी फाइनल डिस्कशन, किसी फाइनल रिजल्ट पर हम लोग नहीं पहुंच पाए। यहां पर सेडल पॉइंट, यहां पर सेडल पॉइंट, जिसको आप क्या बोल देते हैं, नो एक्सट्रीमम। तो आप चाहे तो यहां पर इसको नो एक्सट्रीमम बोले, चाहे तो आप इसको सेडल पॉइंट बोले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां एक्सट्रीमम मिला है। अब इसे चेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ आर। अगर आर आपका लेस देन जीरो है तो इस पॉइंट पर होगा रिलेटिव मैक्सिमम, अगर आर आपका ग्रेटर देन जीरो है तो इस पॉइंट पर होगा रिलेटिव मिनिमम। आर अगर आपका लेस देन जीरो है तो इस पॉइंट पर होगा रिलेटिव मैक्सिमा, आर अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है तो इस पॉइंट के ऊपर होगा रिलेटिव मिनिमा। सो ये तरीका होता है अगर डबल वेरिएबल के अंदर आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना होता है तो, क्योंकि डबल वेरिएबल है ड्रॉ किया नहीं जा सकता, सिंगल वेरिएबल को ड्रॉ किया जा सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर बने थे, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत सारे पॉइंट नहीं है, बस ये एक ही तरीका है और इसी तरीके से आपको चीजों को चेक करना है। सो वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, डायरेक्ट चलिए पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 2x4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y has a relative as relative, कुछ options दिए गए, मैं options भी लिख देता हूं। A option maxima at half comma 1, B option minima at half comma 1, C option maxima at 0 comma 1, D option minima at 0 comma 1। ये चार ऑप्शन हमें गेट एग्जाम के अंदर दिए गए थे जिनके बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अगर फंक्शन हमें एक्स कॉमा वाई मतलब दो वेरिएबल का अगर फंक्शन दिया गया तो ऑफकोर्स आप लोग समझ पा रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल का प्रॉब्लम है नहीं, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर वन, तो स्टेप नंबर वन क्या बोलता है, देखिए स्टेप नंबर वन सिंपली ये बोलता है डेल जेड बाय F, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो कीजिए। तो हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया आपके पास में 8x³ प्लस 0 माइनस 2x माइनस 0 बराबर 0। सो क्लियरली ये बन रहा है 8x³ माइनस 2x इक्वल्स टू 0। यहां से 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है तो ये बन गया होगा 2x x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x equals to 0 and plus minus 1, x की तीन वैल्यूज हमें दी गई है यहां पर। इसी तरीके से हम पता करेंगे डेल f by डेल y equals to 0। तो जब इसको y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 2y minus 2 equals to 0। तो ये बन जाएगा आपके पास में y minus 1 equals to 0 और y equals to 1। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी कितनी है 1। जब x की वैल्यू प्लस 1 है तब भी y की वैल्यू कितनी है 1। जब x की वैल्यू माइनस 1 है तब भी y की वैल्यू कितनी है 1। तो ये तीन पॉइंट है जिसके ऊपर चेक किया जाएगा कि कौन सा रिलेटिव मिनिमा है, कौन सा रिलेटिव मैक्सिमा है और कहां पर आपको सेडल पॉइंट देखने को मिल रहा होगा। सो बेसिकली अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो मैं बात करूं, अगर इसे मैंने बोल दिया पॉइंट ए, इसे बोल दिया पॉइंट बी और इसे बोल दिया मैंने पॉइंट सी। तो सबसे पहले तो आर एस टी फाइंड कर लो। आर क्या होता है, डेल टू एफ डेल एक्स टू, मतलब जिसको एक्स के रेस्पेक्ट में किया था उसको एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ रहा है 24x² माइनस 2। फिर आएगा एस, इसका मतलब है जिसको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में किया था
देखो ऐसे लिख सकते हो आप इसे, जिसको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में किया था उसको अब वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, मतलब इसको वाई के रेस्पेक्ट में तो जीरो आ रहा है, या फिर जिसको वाई के रेस्पेक्ट में किया था उसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, ये इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी जीरो आएगा, तो ये तो जीरो ही आ रहा है। फिर आता है आपके पास में टी, फिर आता है आपके पास में टी, मतलब ये है डेल टू एफ डेल वाई टू। ये बोल रहा है जिसको पहले y के रेस्पेक्ट में क्या था एक बार और y के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ये आ गया टू। अब बात करते हैं फॉर पॉइंट ए, ए पॉइंट के लिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं ए पॉइंट के लिए। सो अगर ए पॉइंट की हम चर्चा करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 24x2 - 2, x की वैल्यू जीरो है तो ये आ रहा है माइनस टू, s की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है, t की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, तो अगर यहां पर आप चेक करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो ये माइनस टू है, टी प्लस टू है तो ये आ गया माइनस फोर माइनस जीरो, सो ये वैल्यू आ रही है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो आ रही है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर मेंशन कर दो सेटल पॉइंट। इसी तरीके से फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी, पॉइंट बी के लिए अगर आप आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, पॉइंट बी के लिए अगर आप आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो देखिए पॉइंट बी के लिए आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके अंदर आप एक्स बराबर वन पुट कर दो तो ये आ रहा है 24 - 2, 22। अगर आप देखें तो एस ये जीरो एंड टी ये भी जीरो टू, सो आर टी माइनस एस स्क्वायर 24 - 2, ये तो आ रहा है 44 which is greater than 0, अगर ये greater than 0 है तो R, R को चेक करो, R भी greater than 0 है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको मिलेगा रिलेटिव मिनिमा। सो ये जो B पॉइंट है, ये जो B पॉइंट आप देख पा रहे हैं उसके ऊपर है रिलेटिव मिनिमा। तो ऐसा कोई ऑप्शन में वन एंड वन, आई थिंक कहीं पर, ओहो देखो ये गलती हो गई हमसे, ये हमसे गलती हो गई, जब हमने यहां से 2x कॉमन लिया है, जब हमने यहां से 2x कॉमन लिया है तो यहां पर एक 4 भी तो था, आप लोगों ने बताया कि नहीं, तो ये 1/2, क्योंकि हमारे तो पॉइंट ही मैच नहीं कर रहे हैं यहां से, है ना, तो ये होगा हाफ, ये भी हो जाएगा हाफ, तो जो पहला पॉइंट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उसमें गड़बड़ी हो गई, तो ए पॉइंट जो है वो तो परफेक्ट है, अगर बी पॉइंट को आप देखेंगे तो उसको एक बार वापस चेक करना पड़ेगा, हालांकि मेरे ख्याल से आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वैल्यूज तो वैल्यूज होती है, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर वैल्यूज मैच क्यों नहीं हो रही। सो हाफ के लिए आप चेक कीजिए आर की वैल्यू 1/4, 24 × 1/4, तो ये आ रहा है आपके पास में 6 - तो ये आ रहा है 4, ये वैल्यू कांस्टेंट और ये वैल्यू भी कांस्टेंट, तो आंसर मेरे ख्याल से सेम आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि ये कितना आ रहा है 8 - 0 विच इज ग्रेटर देन 0, सो आप देख रहे हैं आर जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब रिलेटिव मिनिमम। सो अब देखेंगे हाफ कॉमा वन, ये देखिए मिनिमा एट हाफ कॉमा वन, फिर भी सी पर भी चेक कर लेते हैं फॉर पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी, पॉइंट सी के लिए अगर हम लोग बात करें तो आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो आर इक्वल्स टू, अगेन अगर आप पुट करेंगे माइनस हाफ, तो ये वैल्यू फिर से 4 ही आ रही होगी, एस बराबर 0 ही आ रहा होगा, टी बराबर 2 ही आ रहा होगा, तो आपने कहा कि सर यहां पर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो आ रहा है वो अभी भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और आर ग्रेटर देन 0 है तो इस पॉइंट के ऊपर भी रिलेटिव मिनिमा ही है, इस पॉइंट के ऊपर भी क्या है रिलेटिव मिनिमा ही है, अगर इस पॉइंट पर भी रिलेटिव मिनिमा है तो ये वाला ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, हालांकि आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो कि यहां पर भी रिलेटिव मिनिमा आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन के अंदर दे नहीं रखा, सिर्फ बी ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप क्या बोलेंगे यह आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अच्छा मैं एक और चीज अगर आपको दिखाना चाहूं यहां पर, अगर अरे ये क्या हो गया,
एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड अगर मुझे मिले यहां से, अगर मिल गया तो. नहीं अभी तो नहीं मिलेगा, मिलता तो मैं आपको इसके अंदर कुछ और चीज दिखाता. हाँ ये देखो, देखो ध्यान से देखो इसे. ये बेसिकली आपको बता रहा है कि थ्री डायमेंशन में इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता है. अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो कैसा मैक्सिमा हुआ होगा, कैसा मिनिमा हुआ होगा वो आप देख पा रहे हैं. ये आपका मैक्सिमा है, ये आपका मैक्सिमा है, और ये क्या है आपका मिनिमा है. सो ये क्या है आपके लिए मैक्सिमा है और ये क्या है आपके लिए मिनिमा है. देख पा रहे हो कैसा होता है थ्री डायमेंशन में मैक्सिमा एंड मिनिमा. इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप इस ग्राफिक से इस बात को समझ सकते हो. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर सर सैडल पॉइंट कैसा होता है. देखो सैडल पॉइंट को भी देखो. अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, अरे अगर आप यहां पर इस बात को ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो देखो मैंने यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो ये आपका लोकल मिनिमा, ये भी आपका लोकल मिनिमा, एक से ज्यादा मिनिमा आपको दिखाई दे रहे हैं, एक से ज्यादा मैक्सिमा आपको दिखाई दे रहा है. और ये इस सैडल पॉइंट को, इस सैडल पॉइंट की खास बात देखो, देखो ये तो ऐसे जा रहा है कर्व, ये कर्व ऐसे जा रहा है और ये वाला कर्व ऐसे जा रहा है. तो इसको सैडल पॉइंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो मैक्सिमा दे रहा है और एक कोऑर्डिनेट मिनिमा दे रहा है. इसकी शेप देख पा रहे हैं आप, मतलब सरफेस पहले एक साइड से तो ऐसे फोल्ड है और दूसरी साइड से ऐसे उठा हुआ है. इसलिए ना तो आप इसे मिनिमा में ना ही आप इसे मैक्सिमा में रख पाए. तो ये आपके पास में क्या हो गया, सैडल पॉइंट. बोलिए बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ. चलिए सो मेरे ख्याल से पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर एक पॉइंट और हमें पढ़ना है वो भी पढ़ लेंगे. पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. फ्रेम से बाहर जा रहा है ये जो नोट्स है, ये फ्रेम से बाहर जा रहा है. तब तो इसको थोड़ा सा अरेंज करें. नहीं जा रहा, चलो अच्छा जा रहा है, ये चक्कर क्या, कुछ लोगों को फ्रेम से बाहर जा रहा है, कुछ लोगों के लिए नहीं जा रहा. चलो ठीक है कोई बात नहीं, अरेंज कर दिया मैंने, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो. Thank you.
चलिए, मेरे ख्याल से इतनी कहानी क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। एक पॉइंट और बचा है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। क्या पॉइंट है वो? लिमिट फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। देखिए, इसका जो प्रोसीजर है वो तो मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो इस पर हम कर नहीं पाएंगे। तो आज का जो 8 बजे वाला सेशन होगा ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन में इसका भी रख दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग मुझे या तो व्हाट्सएप कर दे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करें लेट्स स्टार्ट गेट पीएससी पीएसयू, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, उसी में क्लास का लिंक आएगा। नहीं तो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेना, वो आपको लिंक शेयर कर देगा। सो वहां पर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, तो ये पॉइंट हमारा कवर हो जाएगा। क्या है प्रोसीजर? ये बोल रहा है कि मान लीजिए अगर आपको दिया गया हो एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वाई टेंड्स टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जेड इक्वल्स टू, ये अगर आपका फंक्शन है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, इसमें आप सबसे पहले फाइंड करते हैं एफ वन। ये एफ वन क्या होता है? ये एफ वन होता है कि आपका जो भी फंक्शन दिया गया है उसके अंदर सबसे पहले आप x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में आप पुट करेंगे लिमिट y टेंड्स टू b, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोल रहे हैं? एफ वन। इसी तरीके से अगली बार आप लिमिट y टेंड्स टू b पहले पुट करेंगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, और जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे f2। If f1 equals to f2,
लेट अस सपोज मान लो कुछ वैल्यू दे रखी हो पी, तो आप बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और पी इसका आंसर होगा. इफ एफ वन नॉट इक्वल्स टू एफ टू, तो आप बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. बहुत आसान प्रोसीजर है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. बहुत आसान प्रोसीजर है और बहुत आसान वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है. सबसे पहले x इक्वल्स टू a पुट करना है, फिर y इक्वल्स टू b पुट करना है. उसके बाद में अगली बार क्या करना है, आपको पहले y इक्वल्स टू b पुट करना है और उसके बाद में x इक्वल्स टू a पुट करना है. अगर इतना आप कर लेते हो और वो दोनों वैल्यूज सेम आ जाती है, दोनों वैल्यूज अगर सेम आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कोई समस्या होगी नहीं वहां पर. लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस आता है, वो स्पेशल केस मैं आपको बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा. चलो मैं वो अभी बता देता हूं वैसे, और उसके बाद में इसके ऊपर चर्चा जो हम लोग करेंगे. जस्ट अ सेकंड मेरे पास है वो क्वेश्चन. चलो बता देता हूं, पहले तो इसी का एक एग्जांपल आपको बता देते हैं. मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम दी गई हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड y टेंड्स टू 2. इसी का एक एग्जांपल बता रहा हूं. पहले फंक्शन दिया गया है आपको 3x² y डिवाइडेड बाय x² प्लस y² प्लस 5. देखिए ये प्रॉब्लम आपको दिया गया, तो ये बोल रहा है सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए लिमिट y टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x² y डिवाइड बाय 3x² y डिवाइड बाय x² प्लस y² प्लस 5. इसमें x बराबर 1 पुट कर दो, जैसे 1 पुट करेंगे क्या बन जाएगा, 3y डिवाइडेड बाय 1 प्लस y² प्लस 5, y² प्लस 6. आप पुट कर दीजिए लिमिट y टेंड्स टू 2, तो जैसे आप पुट करेंगे ये आ रहा होगा 6 डिवाइडेड बाय 10. इसे आपने बोल दिया f1, इसे आपने क्या बोल दिया f1. इसी तरीके से अगली बार क्या बोला गया, पहले y की लिमिट पुट कीजिए, लिमिट y टेंड्स टू 2 3x² y डिवाइडेड बाय x² प्लस y² प्लस 5, लिमिट x टेंड्स टू 1. सो पहले y को अगर आप पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 6x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 9, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 6/10 f2. तो देखिए f1 बराबर f2, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6/10. एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ना है, न के बराबर है. तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर इस तरह का केस आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, z इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0 f ऑफ x कॉमा y. देखिए अगर इस तरह का केस आपको दिया गया, इस केस में और लास्ट केस में क्या फर्क है, लास्ट केस में आपके पास में a और b आपके पास में 0 नहीं है, लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे तो ये आपके पास में दोनों 0 दिए गए. दोनों में से कोई एक के 0 होने पर आप इस केस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. अब सिर्फ और सिर्फ तभी इस कंडीशन की बात करेंगे जब दोनों 0 रहेंगे, और जब दोनों 0 रहेंगे तो ऐसे कंडीशन में, जब दोनों 0 रहेंगे ऐसे कंडीशन में आप इस स्पेशल केस की बात करेंगे. क्या बोला गया, सबसे पहले f1 फाइंड करें. कैसे फाइंड करना अभी अभी मैंने आपको बताया. उसके बाद में आप f2 फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करना वो भी मैंने आपको अभी अभी बता दिया. क्लियर है, ये दो काम करें. इन दोनों में f1 बराबर f2 अगर हो जाता है, दोनों में अगर f1 बराबर f2 हो जाता है, अगर नहीं होता है तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं की, बात ही खत्म. लेकिन अगर इक्वल हो जाता है उसके बाद में आप पता करते हैं f3. अब ये f3 क्या है, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं बेटा, इसका एग्जांपल शाम को 8 बजे करवा दूंगा ना. आपको फंक्शन में पुट करना होता है y बराबर mx, y बराबर mx, और उसके बाद में उसके अंदर आपको पुट करना होता है x टेंड्स टू 0, तो वहां से जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे f3. अगर ये f3 की वैल्यू, अगर ये f3 की वैल्यू डिपेंडेंट ऑन m आ जाती है, देन
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इफ एफ वन इक्वल्स टू एफ टू इक्वल्स टू एफ थ्री आ जाता है भाई, अगर ये m का फंक्शन आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो डायरेक्टली. लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये f3 भी f1 f2 के बराबर आ जाता है, तो फिर आप पुट करेंगे y बराबर mx square, y बराबर mx square, और फिर पता करेंगे f4. अगर f4 डिपेंडेंट ऑन m आ जाता है तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लेकिन अगर f1 equals to f2 equals to f3 equals to f4 आ जाता है तो आप बोल देंगे ये जिसके भी इक्वल आ रहा है, लेटर सपोज r के इक्वल आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसके ऊपर क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे. लेकिन हाँ, आप समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा एज कंपेयर टू दिस केस. तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो. लेकिन हाँ, ये एक ऐसा केस है जिसको एग्जाम्पल की मदद से समझना जरूरी है. तो आज जो सेशन होगा आपका यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रखेंगे ताकि आपको ये पॉइंट रिकॉल हो जाए और समझ में भी आ जाए किस तरीके से इसे डील करना होता है, किस तरीके से इसे डील करना होता है, आपको ये बात भी समझ में आ जाए. चलिए, सो आई होप आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा वो सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, है ना. इसी तरीके से कल हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है वो अभी मैंने करवाई नहीं है और मुझे पता है इस पर प्रॉब्लम की जरूरत है, तो वो प्रॉब्लम मैं आपको शाम को करवा दूंगा. तो आप लोग जिन्होंने अभी तक के बाकी सेशन नहीं देखे उनको देख लो, वो आप ही लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि आप लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि लाइक यहाँ पर क्वेश्चन भी कर सके और कॉन्सेप्ट भी सीख सके. तो मैं कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट ज्यादातर यहाँ पर बता दें, और क्वेश्चन के लिए आप उन जो भी सेशन है उनको एक बार देख लिया करो और उनके जो अच्छे क्वेश्चन है उनको अपनी कॉपी में लिख लिया करो. सो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, ऑलमोस्ट 100% मैथमेटिक्स हम लोग कवर कर लेंगे, वो भी इतने कम टाइम में. अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं है जिसके पास में लिंक नहीं हो तो या तो वो मुझे मैसेज कर देना या फिर अपने फ्रेंड से लिंक शेयर कर लेना, ठीक है. चलिए, थैंक यू वेरी मच. शाम को मिलते हैं 8 बजे, इनके ऊपर क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे. ठीक है, थैंक यू.